नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आईएस ने भारतीय पादरी को सूली पर लटकाया। यमन के एक वृद्धाश्रम से 4 मार्च को अगवा किए गए भारतीय पादरी टॉम उज़हनालीन को गुड फ्राइडे के दिन आतंकी संगठन आईएस ने सूली पर चढ़ा दिया। हालांकि पादरी के परिवार और भारत सरकार की ओर से फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। डेली मेल में प्रकाशित खबर के मुताबिक वियना में ईस्टर मास के दौरान शॉन बॉर्न ने पादरी की मौत की पुष्टि की है। शॉन बॉर्न के अनुसार आतंकियों ने भारतीय पादरी को भयंकर यातनाएं दी और सूली पर चढ़ा दिया। टॉम उज़हनालीन एक कैथोलिक फादर थे। वह यमन में मदर टेरेसा मिशनरीज के चैरिटी के लिए काम करते थे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत माता की जय को थोपने की जरूरत नहीं। भारत माता की जय बोलने को लेकर चल रहे वाद विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोग स्वतः नारा लगाएं। संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पवित्र नारे भारत माता की जय को किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है। अपने आदर्शों और कार्यों में इतनी ऊंचाई देनी है कि लोग मजबूर होकर भारत माता की जय बोले। असुद्दीन ओवैसी के भारत माता की जय नहीं बोलने के बाद इस नारे को लेकर उठे विवाद के बीच भागवत के इस संबंध में आया यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युवराज के चोटिल होने के बाद ध्यान अब रहाणे पर। युवराज सिंह के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी विश्व T20 मैच में टखना चोटिल करने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले भारत के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले फोकस अब अजिंक्य रहाणे पर आ गया है। रहाणे ने अभी तक टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं खेला है। अगर युवराज 31 मार्च को होने वाले अंतिम 4 मुकाबले के लिए समय पर उभर नहीं पाते तो रहाणे को अपने घरेलू मैदान मुंबई में खेलने का मौका मिल सकता है। धोनी ने कहा कि प्रबंधन युवराज की चोट का आकलन कर रहा है। टखना मुड़ने के बाद युवराज दर्द से करा रहे थे और फिजियो उन्हें देखने मैदान में आ गए थे। अगर जरूरत पड़ती है तो रहाणे को मैच के लिए तैयार रहना चाहिए।